हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं फिर से एक बार अपने इस YouTube चैनल बार क्राफ्ट इन्फोटेक में। आप सभी जो 10th के स्टूडेंट हैं और जो इस वर्ष जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उन सबको मैं स्वागत करता हूँ। और आप लोगों के लिए, जैसा आपको पता है कि नंबर 1 से नंबर 19 तक, 1 to 19 का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं वीडियो के जो पार्ट 1 है मेरा उसमें डाला हुआ है, और उसका आंसर शीट भी मैंने डाल दिया है। लिंक वहां पे कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, जा करके डिस्क्रिप्शन में, सॉरी आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देखिए, वहां पे लिंक डाला हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इजीली वहां से 119 तक का जो भी आंसर शीट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 10th क्लास का, झारखंड सरकार का, झारखंड बोर्ड का सेट 3 का वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम लोग ग्रामर का पोर्शन को देखेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम, और शुरू करते हुए मैं आपको बताते चलूं इसका आंसर। 20 का जो आंसर है यहाँ कहता है, डैश वर्ब्स ऐड मीनिंग्स टू द मेन वर्ब बाय एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा ए, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे काम करता है। और उसके बाद आते हैं नंबर 21 में। तो 21 नंबर में है, रिमूव टू इन द सेंटेंस, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा आपका, अगर आप जानते हैं रिमूव टू करने के लिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। ये 21 का बी आपका करेक्ट आंसर है। आप अगर चाहें तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने कोई PDF नहीं डाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। और दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है, द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ नो वन कैन कंट्रोल द विंड इज। अगर आप इसका देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए 22 का जो आंसर है वो आंसर है नन ऑफ दिस। फिर आते हैं 23 नंबर में, 23। 23 में है, पैसिव वॉइस ऑफ दे प्ले क्रिकेट इज। इसका अगर पैसिव वॉइस में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो कन्वर्ट होके आंसर आएगा वो होगा क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, यानी कि ए, यानी कि 23 का ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 24, इट इज सेइंग दैट इन दैट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव डन माय वर्क। दैट मींस जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है इसको आपको कन्वर्ट करना है इन दैट स्पीच में। इन दैट स्पीच में अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगर आप नरेशन आप कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा ये जो है बी इसका करेक्ट आंसर है, ही सेड दैट ही हैज डन हिज वर्क। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से अभी। ये क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, ही इज वॉचिंग अ मूवी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, दैट मीन्स ये किस टेंस में आता है। तो सब जानते हैं कि जहां पे इज लग गया, ऑक्सिलरी वर्ब और ing भी लगा हुआ है, तो लोग सब जानते हैं कि ये आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सो 25 का करेक्ट आंसर होगा बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर 26 में आते हैं, द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल का जो करेक्ट आंसर है इसको आप देखिएगा तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी है, मैन इज इमोर्टल, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं 27 में, 27 में जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर इज इन। ये कौन सा डिग्री में आता है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्पेयर किया गया है, ऑब्वियसली ये हमारा आ जाएगा कॉम्पेरेटिव डिग्री में। हाँ दोस्तों 28 का जो क्वेश्चन है ये बोल रहा था, पास्ट परफेक्ट इज रन। रन का जो पास्ट परफेक्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट फॉर्म क्या होगा। तो पास्ट परफेक्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ये है 28 का, और 28 का जो आंसर है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके आपका यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ,
इसका आंसर होगा आर ए एन, रैन। रैन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप 29 का आंसर देखते हैं तो 29 में बोल रहा है द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ सी इज प्लेइंग इज, इसका पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका मैं यहां पे आपको लिख दे रहा हूं, इसका आंसर होगा सी वॉज प्लेइंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ फाइल नहीं डालूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं हर बार डालता हूँ, लेकिन ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपका, ज़्यादा टेंशन यहाँ पे नहीं है। और अगर 30 नंबर का अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, 30 में आपका लगभग 4 क्वेश्चन है ए बी सी डी करके है, तो अगर आप ए का आंसर देखेंगे, मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर, बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल्स गिवन अ ब्रैकेट, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 मॉडल्स दिया हुआ है और 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको यहाँ से एक मॉडल चुन करके वहां पर डालना है। तो जो पहला नंबर का है ए जो है, ए में आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। पहला जो है ए, ए का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कैन, याद रखिएगा पहला वाला में जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसमें भराएगा कैन, और सेकेंड वाले का जो आंसर है सी सेड दैट सी डैश विन द रेस, तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है उसमें आपका हो जाएगा माइट। और अगर सी नंबर का देखें तो आप हमेशा जानते हैं गॉड ब्लेस यू, हमेशा जब भी इस तरह का वर्ड इस्तेमाल होता है तो लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। लास्ट बचता है मस्ट, तो मस्ट आपका आ जाएगा नंबर 4 में, यानी कि नंबर डी में। मैं आपको इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। पहला में कैन होगा, अगर आप बी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो बी वाले में माइट होगा, और अगर सी वाले आंसर में जाएंगे तो सी वाले आंसर में मे होगा, और अगर आप डी में जाएंगे तो डी वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे भराएगा मस्ट। तो दोस्तों ये जो है ये आपका 30 नंबर का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर है कुछ चेंज करना है, सॉरी हाँ 31, सॉरी 31 में फिल इन द ब्लैंक्स ही है। तो 31 का जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कहता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट, आपको वर्ब का जो करेक्ट फॉर्म होगा सेंटेंस के अनुसार से उसको यहाँ पर आपको डालना है। तो नंबर ए में कहता है आई डैश योर लेटर स्टडी वर्ड, तो रिसीव यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे रिसीव्ड, इसका जो होगा पास्ट टेंस का आंसर हो जाएगा आर ई सी ई आई जी रिसीव्ड, यानी कि इसका जो ए है ये ए का आंसर हुआ। अगर हम लोग बी का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बी का क्वेश्चन कहता है माई फादर डैश अ न्यू कार, तो इसका हो जाएगा आंसर बाउट, इसका राइट वर्ब जो होगा यहाँ पे करेक्ट फॉर्म वो हो जाएगा बाउट। तीसरा कहता है द बेल डैश बिफोर आई रीच स्कूल, तो तीसरा का जो फॉर्म होगा तीसरा में यहाँ पे हो जाएगा नंबर सी में हैड गोन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। लास्ट बचता है 4 वाला चिल्ड्रेन वर डैश क्रिकेट, आपका जो वर्ब है वो है प्ले, तो यहाँ पे जो आंसर है इस वर्ब का ये हो जाएगा आपका प्लेइंग। तो ये है आपका 31 का ए बी सी डी का पूरा आंसर। अभी हम लोग देखेंगे इसका 32 का आंसर, 32 का ए, इसमें भी ए बी सी डी है लेकिन यहाँ पे कुछ
बनाना है, रिमूव टू करना है। तो कहता है द बॉय इज टू टायर्ड टू प्ले। इसका रिमूव टू हटा करके इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉय इज सो स्लो दैट ही कांट That he can't play. The boy is so slow that he can't play या cannot play, जो भी आप बोलेंगे। तो ये इसका आंसर था ए का। अगर 32 का बी वाला क्वेश्चन देखेंगे तो कहता है Who is not afraid of death? क्वेश्चन मार्क बोल रहा into assertive sentence में। आप देख रहे हैं ये जो मेरा क्वेश्चन है ये है आपका इंटरोगेटिव में, और इसको बनाना है असरेटिव सेंटेंस में, कन्वर्ट करना है। तो आपका जो इसका आंसर है ये हो जाएगा नो मैन इज ए एफ आर ए आई अफ्रेड ऑफ डेथ। ये होगा इसका असरेटिव सेंटेंस का सही उत्तर। और अगर इसका फिर हम जाके देखते हैं सी वाले में, सी वाले में कहता है ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। इसको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। आप लोग देख रहे हैं एक्चुअली क्या है, जो भी मॉडल सेट अभी तक आया है रिमूव टी से दो क्वेश्चन रह रहा है, सेंटेंस से दो क्वेश्चन रह रहा है, असरेटिव से दो क्वेश्चन रह रहा है, स्पीच से दो क्वेश्चन रह रहा है, वॉइस से दो क्वेश्चन रह रहा है। यानी कि अगर आपका रिमूव टू और सेंटेंस क्लियर है, टेंस क्लियर है, इनडायरेक्ट स्पीच क्लियर है, तो आपका हर से दो दो क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा यहाँ पे। तो चलिए सी का आंसर देख लेते हैं। सी का आंसर होगा ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक, ही वाज रीडिंग ए बुक, ही सेड दैट He was reading a book. C का जो करेक्ट आंसर है वो यही होगा यहाँ पर। अब आते हैं D में, और D कहता है They own the match, और इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो हो जाएगा The match was won by them. ये है इसका करेक्ट आंसर। तो 32 का आपका ए बी सी डी चारों का चारों आंसर हो गया है। मैं फिर से एक बार बोलूंगा, आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, या अगर आप मॉडल सेट का निकाल के रखे हैं क्वेश्चन आंसर तो आप क्या कीजिए इसको उसी में आप नोट कर लीजिए। ग्रामर सेक्शन में एक क्वेश्चन और बचता है 33 नंबर का, और ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको थोड़ा नीचे ले चलता हूं, और ये कह रहा है ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस एंड स्टेट इट्स डिग्री। मतलब ये बोल रहा है इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है और ये किस डिग्री में आता है उसको आपको मेंशन करना है। तो मैं इसका आंसर भी आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे आपको फायदा हो जाएगा, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस इज, इसका जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव हो जाएगा इसका द बेस्ट, और अगर डिग्री का बात करें तो डिग्री में आ जाएगा ये सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में आएगा ये। तो दोस्तों ये जो था आपका ग्रामर पोर्शन नंबर 20 से लेके नंबर 33 तक, ये आपका ये जो हमारा वीडियो का पार्ट 2 है इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप जरूर पूछें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें,
और खास करके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जिन लोगों का इंग्लिश अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी इस वीडियो को देख करके अपना जो मॉडल सेट है उसको कंप्लीट कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको शुक्रिया। और मैं बताते चलूं कि लास्ट जो आपका बुक वाला पार्ट बच गया है, सेक्शन सी वाला पार्ट बच गया है, उसको मैं पार्ट थर्ड में पूरा का पूरा एंसर शीट में कंप्लीट कर दूंगा, और उसका पीडीएफ फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना करके डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।